लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर सपाक्स प्रत्याशी धीरज दुबे के समर्थन में भी सपाक्स के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सुदामानगर स्थित सपाक्स के लोकसभा प्रत्याशी धीरज दुबे के समर्थन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, उपाध्यक्ष अनुराग गोयल, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, मालवीय गोड़ समाज के गुड्डू मालवीय सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। और ये जो छह हमारे विकल्प हैं और छह मुद्दों को लेकर जो हम आए हैं आपके सामने, ये जैसा कि उन्होंने भी बताया कि ये मुद्दे ये कभी भी दोनों पार्टी नहीं ला सकती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को जनता को प्रेरित करती हैं। ये नहीं चाहती हैं कि एट्रोसिटी एक्ट या आरक्षण ये इनकी वोटबैंक की राजनीति सहती है, इसलिए ये कभी भी एक जिला एक नागरिकता एक बैनर पे ये वो काम करने वाले नहीं है। बैठक में पदाधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए सपाक्स को बेहतर विकल्प बताया और दुबे को जिताने की अपील की। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।